हेलो एवरीवन, दिस इज निकेतन हियर। तो सीईटी एमबीए सीईटी हैज गॉट डिक्लेयर ऑन 18th एंड 19th ऑफ मार्च, राइट। तो सारे स्टूडेंट्स ने अपना सीईटी का प्रिपरेशन चालू किया होगा, या कुछ स्टूडेंट्स ने अभी से सीईटी का प्रिपरेशन अभी चालू कर रहे होंगे। उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ब्राइटवेज हैज ऑर्गेनाइज फ्री ऑनलाइन कोचिंग। ओके, तो अभी जितने भी स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको कुछ शॉर्टकट टेक्निक चाहिए, हॉल टिकट कभी आएगा, एडमिशंस के लिए क्या सपोर्ट चाहिए रहता है, एमएमएस क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस का अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। ये नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हो, वी विल ऐड यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप। सीईटी होने तक सारे सीईटी का मटेरियल, सीईटी के शॉर्टकट, और सीईटी होने के बाद आपका एमएमएस एमबी पीजीडीएम कॉलेजेस का कट ऑफ, ये सारा उसमें गाइडेंस दिया जाएगा। ओके, तो अभी इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के थ्रू हम 18 और 19 तक सारे शॉर्टकट भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर को कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। ओके, 2 डिजिट का एंड 3 डिजिट का स्क्वायर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो पहला आता है नंबर की जिसका एंड 5 से होता है, जैसा 45 का स्क्वायर। तो सारे स्टूडेंट्स को ये टेक्निक पता होगा, अगेन वी विल रिवाइज इट। ओके, तो यहाँ पे 4 और 5 डिजिट है, तो सबसे पहले आपको 5 का स्क्वायर लिखना है 25, 4 के बाद का नंबर, यहाँ पे जो भी नंबर है उसके बाद का नंबर लिखने का। सपोज 5, तो 4 5 20, तो आपका आंसर है 2025। सेम एप्लीकेबल टू 65 स्क्वायर, तो जैसे मैंने कहा 5 का स्क्वायर 25, 6 के बाद आता है 7 तो 6 7 जा 42। सपोज 95 है आपका क्वेश्चन, तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर 9 के बाद आता है 10, सपोज 10 into 9, ओके 9025। ओके, तो ये सारे टेक्निक्स को यूज करते हुए जिसका भी एंड 5 से होगा आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। क्लियर, तो अभी इसको देखने के बाद जितने लोगों को भी ये टेक्निक समझ में आया होगा, आप 75 का स्क्वायर प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के आपको कितना समझ में आया है उसका एप्लीकेशन कीजिए। तो अगेन आई विल क्रॉस चेक, राइट। 95 का स्क्वायर 9025 दिख रहा है कैलसे में, 45 into 45 2025 दिख रहा है, ओके 65 into 65 4225 दिख रहा है, मतलब ये टेक्निक प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया है। अभी उस नंबर में कि जहां पे 5 एन में नहीं है, तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 23 स्क्वायर। अभी सबको पता है 23 का स्क्वायर सबको 62 होगा, लेकिन ये कैलकुलेट करने को गए, तो इसका शॉर्टकट कुछ लोग ऐसे करेंगे, 23 into 23 जो वैसे आपने बचपन में किया था, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 9 12, यहाँ पे एक आ गया 5 5 29। अभी इसको यहाँ अगर हम कैलकुलेट करने को गए थोड़ा शॉर्टकट टेक्निक से, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आपको लिखना है 04 और 3 का स्क्वायर लिखना है आपको 09, समझा। ये इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, अभी अंदर गए, अंदर आपका डिजिट है 2 3 और ये पावर है 2, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो 2 यहाँ से आया, 23 का 2 और 3 को डिवाइड किया और 2 पावर, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 आप यहाँ पे लिखोगे, तो देखिए 9 एडिशन 2 और यहाँ पे आ गया 529, राइट। तो दिस इज द वे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसका एंड या 5 के भी नंबर को, चलो अभी 5 के नंबर को हम सॉल्व करते हैं। 45 का स्क्वायर, तो 45 के स्क्वायर का शॉर्टकट बोलता है 5 का स्क्वायर 25, 4 के बाद का नंबर है 5, तो 5 4 जा 20। अभी इस मैटर से आप सॉल्व करने को गए, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 4 into 5 हो गया 20, 22 जा 40, 40 यहाँ पे लिख दिया, 5 2 10 1 2025। ओके, क्लियर एवरीबॉडी, लेट्स गो अहेड विद 73 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 09, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 9 2, 9 और 4 13, 1 बचा 5 3 2 9। ओके, एक बार कैलसी में चेक करता है, देखो 73 into 73, 5 3 2 9। ओके, एक लास्ट नंबर लेते हैं, सपोज 82 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर आपने लिखा 64, 2 का स्क्वायर लिखा 04, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो आपका 4 2 7 6, 6 7 2 4। लेट्स कैलसी में एक बार चेक करते हैं, 82 into 82, 6 7 2 4, करेक्ट। तो दिस वे आप 1 to 99 के कौन से भी 2 डिजिट नंबर को लेके इस मेथड से आप स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी व्हाट अबाउट 3 डिजिट वाला नंबर। ओके, तो 3 डिजिट नंबर को लेते हैं, चलो 304 का स्क्वायर,
अभी 304 के स्क्वायर को अगर आप नॉर्मल मेथड से कैलकुलेट करने को गए तो आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखो 4 4 16, 4 3 12, फिर 0 0 0, फिर ये प्लस, सेम वे 1 2, ओके 1 2, ये 1 2 1 6, ओके ये सेम कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 6 1, ये 8, फिर ये 1 प्लस 1 2, ये 2, 1 2 2 8 1 6, ओके वापिस एक बार चेक करते हैं। 4 4 16, ये 0, यहाँ पे 0 लिखना हमने भूल गया, देखो ये मिस्टेक यहाँ पे हो सकता है। अगेन विल कैलकुलेट 304 × 304, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, ये यहाँ पे 4, ये ओके इट वाज राइट, ओके ये 12 और 1 2 1 6, राइट 6 1 8 1, 1 2 1 8, ओके। तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, इससे शॉर्टकट देखते हैं। 304 का स्क्वायर, देखो एवरीबॉडी, इसमें आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये जो इसको एक पार्ट कंसिडर करना है और इसको एक नंबर करके कंसिडर करना है, राइट। तो देखिए दो एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर होता है 09, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया 16, राइट। तो अगर ये 144 होता, सपोज 12, यहाँ पे 12 नंबर होता, तो आप 44 यहाँ पे लिखते थे, कैरी फॉरवर्ड हो जाता था। पर यहाँ पे फॉर्चुनेटली 4 का स्क्वायर 16 ही होता है, आपने उतना ही लिखा, राइट। फिर उसके बाद आपने लिखा यहाँ पे 3, राइट, अंदर 4, अंदर और पावर यहाँ पे 2, तो 3 4 12, ओके एंड 12 2 24, ओके। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 24, तो 9 24 16 शुड बी योर आंसर। तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया, तो लेट चेक इट आउट। 304 × 304 वापिस करना पड़ेगा यहाँ पे, 4 4 16 और 4 3 12, ये 0 0 0 प्लस प्लस, ओके सेम हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, 3 4 12, 3 3 9, 6 1 4, यहाँ पे 2 और 92 4 16, ओके। तो ये मिस्टेक हमने क्यों यहाँ पे करके दिखाया, बिकॉज जब स्पीड मैथ्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे 101%, आप कितने भी मास्टर हो, आपका मिस्टेक होता ही होता है। तो जब आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप इस शॉर्टकट के थ्रू भी सिंप्लीफिकेशन के जो सम्स आएंगे आपके, इसको यूज कर सकते हो ये टेक्निक को, राइट। क्लियर एवरीबडी? तो देखो 92,416, 92,416। तो अगेन विल गो हेड विद दी गो हेड विद दिस मैटर। तो देखिए अगर हमने यहाँ पे अभी 312 लिया, ओके 312 को नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते करने को गए तो कैसे हम सॉल्व कर देते? 2 2 4 2 6, ये आपका आ जाएगा 312, और ये 3 2 6, 3 1 3, 3 3 9, 4 4, 12 और 1 13, यहाँ पे 6 प्लस 1 7, 97, 3 4 4, ओके। अभी पहले मैं इसको कैलसी में चेक करता हूँ कि ये बराबर है कि नहीं। 312 × 312, 97,344, करेक्ट। अभी इसको शॉर्टकट से करने को गए तो देखिए एज एज मेंशन, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। 3 का स्क्वायर होता है 9, ओके इसको हमने एक पार्ट करके कंसिडर किया, तो 12 का स्क्वायर लिखा 44, एक को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ओके। तो देखिए अंदर है 3 × 12, विच इज 36 × 2, विच इज 12, 72 + 1, ये एक यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 73, हमने 73 को यहाँ पे लिखा, समझ समझ गया सबको, ओके। अगेन विल गो अहेड, लेट्स सी, हमने अभी लिया 250 का स्क्वायर। 250 का स्क्वायर अगर हम नॉर्मल मेथड से कैलकुलेट करने को गए तो ये 0 0 0 5 0 5 25, राइट, ये 5 × 10 होते 12, एक ये 0 1 5 0 0 5 2 6 2500। डेफिनेटली ये सारे स्टूडेंट्स को ये पता होगा, डेफिनेटली 25 का स्क्वायर होता है 625, 0 0 0 का स्क्वायर है तो 2 बार 0 लिख दिया, लेकिन हम मेथड का मेथड के हिसाब से देख रहे हैं। तो चलो इसको शॉर्टकट से करते हैं। 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, राइट 3 पार्ट। 50 का स्क्वायर हो गया आपका 2500, हमें 0 0 लिख दिया और 25 हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, राइट एवरीबडी। तो अंदर हमने लिखा है 2 × 50, मतलब 100, 100 × 2 हो गया आपका 200, देखो 2 × 50 × 2,
एकदम फास्ट करने को जाओगे तो प्रैक्टिस से आप फास्ट कर सकते हो, आपका बहुत टाइम बचता है। तो कुछ लोग ऐसे भी करेंगे, 2 2 4, ये 200, 200 प्लस 225 हो गया आपका 225। डेफिनेटली यहाँ पे दो ही नंबर लिखने पड़ते हैं, तो हमने 25 लिखा और ये दो दो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो गया और दो का आपका हो गया 6। देखिए 6 2 5 0 0। तो इस प्रकार से आप किसी भी नंबर के स्क्वायर को, 3 डिजिट के नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। चलो हम देखते हैं 122 का स्क्वायर। ओके, तो देखिए 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक का स्क्वायर एक, 22 का स्क्वायर हमने कैलकुलेट करने को गए तो मैक्सिमम लोगों को बैड होगा, तभी भी हम अपने पहले मेथड से करते हैं। 2 का स्क्वायर 0 4, 2 का स्क्वायर 0 4, 2 2 4, 4 2 8, तो 8 यहाँ पे लिखा, 4, तो 484 आपका आंसर आ गया। यहाँ पे 84 लिखा, 4 हमने कैरी फॉरवर्ड किया, यहाँ पे हमने 1 into 22, 22 2 1 into 22, 22 44, 44 plus 4 48। ओके, तो आपका आंसर हो गया 148 84। चलो नॉर्मल मेथड से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, 122 into 122, 2 2 4, 2 2 4, सेम 244 प्लस 122, 4 ये 8 8 4 148 84, 148 84, राइट। तो इस वीडियो में हमने पहला नंबर देखा कि जो एन पास से होता है, दूसरा 2 डिजिट का नंबर जो एन पास से नहीं होता, और फिर बाद में अपने देखा कि 3 डिजिट का स्क्वायर आप किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद 352 का स्क्वायर आप कैसे कैलकुलेट करके विद इन 10 सेकेंड या 20 सेकेंड में आप क्या आपका आंसर आता है, ये प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। थैंक यू।